हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग सीटी की प्रिपरेशन के लिए एकदम रेडी होंगे। तो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे 99% स्कोर किया था, जिससे कि मेरी मिस्टेक से, मेरे प्लस पॉइंट से आप लोग भी सीख सको और अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरीके से प्लान कर सको। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी डेली वीडियोज़ लाती रहूँगी जिससे कि आप लोग अपनी सीटी की प्रिपरेशन को एक जीरो से लेकर अपर लेवल तक लेके जा सको। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोगों को मुझे बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है, ठीक है? कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए? फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बायो, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने ना अपने आप को ये चीज़ बताई थी कि मुझे सीईटी किसी भी हालत में क्रैक करना है, क्योंकि मेरा जेई बहुत अच्छा नहीं गया था कि मुझे एकदम टॉप कॉलेज में सीएस मिल सके, ठीक है? तो मैंने जेई होने के बाद अपने आप को ये चीज़ बोली थी कि मेरे को सीईटी क्रैक करना ही करना है बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को जो करना है, अपने आप को बिलीव करवाना है कि आप लोग कर सकते हो। मैं जानती हूँ हर एक बच्चा यहाँ पर जो मेरा वीडियो देखने आया है वो अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहता है। अगर आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप लोगों को अपना सपना पूरा करने के लिए अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके आई कैन डू इट टाइप करेंगे, हम लोग सारे के सारे मोटिवेटेड रहेंगे बच्चों। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के लिए सीटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिसेज हैं, मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पोल्स, क्विजेज, एग्जाम्स, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने फॉलो की थी बच्चों, वो था एक प्रॉपर रूटीन बनाना, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, ठीक है? मेरे हिसाब से आप लोगों को हमेशा सुबह पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब मैं सुबह पढ़ती थी ना तो मेरा वो टाइम बहुत अच्छा निकलता था। प्लस ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप लोगों को सुबह पढ़ना चाहिए बच्चों, उससे आप लोगों की एक मेमोरिंग की पावर अच्छी होती है। तो जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ सकते हैं बच्चों, 4 बजे उठो, 10 बजे सो जाओ, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ। प्लान आप लोगों का किस तरीके से होना चाहिए, आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। लोग क्या कर सकते हो, 1 घंटा पढ़ सकते हो, 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ सकते हो, 15 मिनट का ब्रेक लिया, तो 2 घंटे आपने कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ लिया। ऐसे करके आप लोग 2-2 घंटे के 3-4 स्लॉट्स बना सकते हो। सबसे पहले के 2 घंटे में आप लोग वो सब्जेक्ट उठाओगे बच्चों जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है। ब्रेन जो होता है वो एकदम फ्रेश होता है, तो फ्रेश माइंड में हम लोग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। बीच में आपका मीडियम सब्जेक्ट रखना है और लास्ट में आपका फेवरेट सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो फेवरेट सब्जेक्ट आपको लास्ट के स्लॉट में रखना है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो था वो मैथ्स था, ठीक है? मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, बिल्कुल 0 कॉन्फिडेंस था, ठीक है? तो मैंने मैथ्स में किया क्या, मैंने सबसे पहले मैथ्स को सुबह लेती थी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद मैं एक चैप्टर उठाती थी मैथ्स का, उसे मैं पढ़ती थी, उसके जो भी फॉर्मूले हैं या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे फॉर सपोज इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन के कुछ 6-7 टाइप्स होते हैं, ठीक है? उनके फॉर्मूले होते हैं, मैंने उनको एक पेज पर लिख दिया, ठीक है? तो मैं सबसे पहले अपनी बुक से नोट्स बनाती थी अपनी फॉर्मूले बुक में, फॉर्मूले बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। उसके बाद भी मुझे ना इतना अच्छे से समझ में नहीं आते थे कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे एक क्रैश कोर्स था, मैंने वो ज्वाइन करा था, तो वहाँ पे जो टीचर्स मुझे पढ़ाते थे उनसे मेरे को चीज़ें समझ में आने लग गई, ठीक है? तो फिर मैंने क्रैश कोर्स के द्वारा पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे मैथ्स के उनको क्लियर किया और साइड बाई साइड अपनी फॉर्मूला बुक बनाती गई। ये मैंने सबसे पहली चीज़ की। क्रैश कोर्स से पढ़ने के बाद मैं क्या करती थी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो कुछ तो कोचिंग में हो जाते थे, जो नहीं होते थे वो मैं घर पे आके करती थी। तो बच्चों, अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी HSC बुक से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मैथ्स में भी नहीं समझ में आता था, फिजिक्स में भी नहीं आता था और केमिस्ट्री में भी HSC की बुक से इतना आता नहीं था, क्योंकि लास्ट के 40 डेज में पढ़ने जा रही थी तो एक एक लाइन नहीं पढ़ पा रही थी मैं, तो इसलिए मैंने क्रैश कोर्स खेल ली। अगर आप लोग भी इसी सिचुएशन में हो, मैं जानती हूँ कि 99% बच्चे इसी सिचुएशन में होंगे, तो आप लोगों को क्रैश कोर्स ज़रूर लगाना है बच्चों। मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली डिज़ाइन करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आपको क्रैश कोर्स के लिए ज़रूर एनरोल होना है बच्चों, क्योंकि वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है आप लोगों के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्रैश कोर्स से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं बच्चों। तो एक बार कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद फिर मेरे को क्वेश्चंस में जा सकती थी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते होंगे तो मैं क्वेश्चंस कैसे करूँगी। तो मैं फिर क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाती थी। क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, महाराष्ट्र CET के भी और वेस्ट बंगाल JEE, कर्नाटका CET, सबके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। और फिर मैथ्स में तो कैसा था बच्चों की प्रैक्टिस से ही होता है काम, है ना? तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस मैंने एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से की और दूसरा मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू की, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं करती जाती उतना मेरे को कॉन्फिडेंस आता जाता, उतने ही मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाते। तो मैंने 20 मॉक टेस्ट लगाए थे। फिजिक्स में भी मैंने यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, चैप्टर पढ़ती थी क्रैश कोर्स से, फिर उसके फॉर्मूले अपनी फॉर्मूले बुक में लिखती जाती थी जिससे कि मेरे नोट्स बनते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखती थी बच्चों में। और उसके बाद फिजिक्स में ये चीज़ है ना कि
पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं और आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए न्यूमेरिकल्स में. थियोरी तो इतनी ईजी होती है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती. तो न्यूमेरिकल्स के मैथ्स और फिजिक्स में सेम ही जैसी बात होती थी, तो स्ट्रैटेजी में सेम रखती थी. और क्रैश कोर्स से पढ़ने के बाद मैंने फोकस अपना पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पर लगाया था बच्चों. तो मैंने 20 मॉक टेस्ट लगाए थे. 20 मॉक टेस्ट मतलब 3000 क्वेश्चंस. तो मैंने 3000 क्वेश्चंस अपने सीटी में बैठने से पहले प्रैक्टिस किए थे बच्चों. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ करो, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए. मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे ना, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, मैंने तो पढ़ लिया, मैंने तो क्रैश कोर्स सारे लेक्चर्स देख लिए, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए. तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट रहती थी. मैंने जब अपना पहला मॉक दिया था बच्चों, तो मेरा स्कोर 80 आया था. पता है आपको क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए थे, ठीक है, मैंने अप्लाई करने की भी कोशिश की थी, बट एक तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई थी इतने अच्छे से, और दूसरी चीज़ एग्जाम के टेंशन में, एग्जाम के डर में है ना, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं रहे थे. मुझे वो चीज़ ओवरकम करनी नहीं आती थी. तो मेरे फर्स्ट मॉक में इतना कम स्कोर आया था, जबकि मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की थी अच्छे से. तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों. एक तो आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रोल करना है अपनी एंग्जाइटी को, अपने डर को, और अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि डर के मारे ना हमारे को चीज़ें याद भी नहीं आती. तो वो रिकॉलिंग वाली चीज़ हमारे को आनी चाहिए, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों. ये चीज़ मैंने खुद ने फेस की, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ. और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सीईटी लेवल के क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट प्रिपेयर करें, जिससे कि आपको हेल्प हो सके सीईटी एग्जाम में स्कोर करने के लिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको ऐप डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट दिए बच्चों. 20 मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था? केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या किया था. कोई चीज़ आपकी स्ट्रांग होती है, मतलब आप अपन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, है ना. तो मैं क्या करती थी, सारे के सारे जितने भी रिएक्शंस होते थे, यूजेस होते थे कंपाउंड्स के, या फिर प्रेपरेशन मेथड्स होते थे, उन सबकी रिएक्शंस वगैरह जितनी भी चीज़ें थी उनको पेजेस में लिखती थी, और उनको रोज़ सुबह पढ़ती थी, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी, जिससे कि मेरे दिमाग में वो चीज़ फिट हो. और बाकी केमिस्ट्री ईजी होता है अगर आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करते हो. तो केमिस्ट्री में आप लोगों को सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है. उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप क्रैश कोर्स की हेल्प ले सकते हो. एंड उसके बाद केमिस्ट्री में भी आपको दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए चीज़ें, ठीक है, और उसको आपको उतारनी होती है पेपर में. तो पेपर में उतारने के लिए मॉक टेस्ट की ज़रूरत होती है. तो बच्चों इस चीज़ को अपन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है. मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैंने आपको बताया कि आपको मैथ्स में कैसी चीज़ें टैकल करनी है, फिजिक्स में कैसे टैकल करनी है, और केमिस्ट्री में कैसे टैकल करनी है. तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया बच्चों. पक्का से ऐप डाउनलोड करके विजिट कर लेना. और ऐप पे हम लोग बहुत सारी और चीज़ें भी डालेंगे आप लोगों के जितने भी स्टडी मटेरियल वगैरह होगा. तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों ये है कि फॉर सपोज अगर मैंने आज एक मैथ्स का चैप्टर किया होता, एक फिजिक्स का चैप्टर और एक केमिस्ट्री का चैप्टर, तो मैं नेक्स्ट डे क्या करती थी, मैं उन तीनों चैप्टर्स को अपना डे स्टार्ट होने से पहले, अपनी बाकी पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले, उन तीनों चैप्टर्स को फटाफट रिवाइज कर लेती थी. आप समझ लो 2 घंटे मैं रिविजन को लेती थी. तो रिवाइज करते रहोगे ना, तो एंड ऑफ द डे में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप भूल चुके हो. तो आपकी सीईटी के एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा लगेगा नहीं कि मेरे को कुछ याद नहीं, क्योंकि आपने रोज़ का रोज़ रिवाइज कराया बच्चों. रिविजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों. इस टिप को पक्का ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताता. और ये बोनस टिप है आप लोगों के लिए कि ये चीज़ आपको करनी है, और इसके बेनिफिट्स आपको पक्का दिखेंगे बच्चों, ट्रस्ट में. और बच्चों ये चीज़ मैंने बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से सीखी, कि हमें किसी भी अपने फ्रेंड्स या अपने कोचिंग क्लास के लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है. किसकी कितनी पढ़ाई हुई है, किसकी कितनी पढ़ाई नहीं हुई है, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है. इस टाइम पर हमारे को थोड़ा सा सेल्फिश होना होता है अपने लिए, कि हम लोग जिस स्पीड से कर रहे हैं वो अच्छी स्पीड है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा है. तो हमारे को हमारे ऊपर बिलीव करना था, हमारे फ्रेंड्स वगैरह का ज़्यादा सुनना नहीं है हमारे को बच्चों, ठीक है. और आप लोगों को एक प्रॉपर बैलेंस ट्राई करना है, ठीक है. आपको पढ़ाई भी करनी है, बट आप लोगों को थोड़ा वॉक वगैरह करके आना है बाहर, ठीक है. कुछ भी आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आधा घंटा या 45 मिनट्स आपको दिन में देने हैं बच्चों, क्योंकि हमारे को बिल्कुल बर्नआउट नहीं होना है. तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ये कोई नहीं बोलता कि आप ना अपनी हॉबी परस्यू करो, या आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ये कोई टीचर नहीं बताता. बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये चीज़ें हैं ना बच्चों, हेल्प करती है आपके ब्रेन को प्रॉपरली वर्क करने के लिए. तो ये आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे. हमारे को आलतू फालतू के गॉसिप नहीं करना है, हमारे को अपने आप वर्क करके आना है, या अपना कुछ मनपसंद का करना है. बच्चों अगर आप लोगों को इसका part 2 चाहिए होगा, क्योंकि हमारे को इतना ही प्रोसेस करना है आज के लिए, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो का part 2 चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में part 2 ज़रूर टाइप करिएगा. और मैं आप लोगों के साथ इस पूरी जर्नी में रहने वाली हूँ. बस आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट पक्का विजिट कर लेना है बच्चों. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने क्रिएट करा है, जिससे कि बाकी सारे बच्चों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं महसूस हो. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा. आगे इसी चैनल पर आप लोगों के लिए मैं डेली
चैलेंजेस लाऊंगी, मैथ्स में कैसे स्कोर करना है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, केमिस्ट्री में कैसी टिप्स एंड ट्रिक्स है, सब कुछ लाऊंगी बच्चों, और बायो के बच्चों के लिए भी लाऊंगी। तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।